दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा। दोस्तों, एक अंडा कितना पौष्टिक होता है और इसमें कितनी एनर्जी मौजूद है, इस बात का अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि एक अंडा एक पूरी ज़िंदगी का निर्माण कर सकता है, यानी एक अंडा एक जीव का निर्माण कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आमतौर पर हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित या दिल के मरीजों के मन में ये सवाल आता होगा कि क्या हमें अंडा खाना चाहिए, या अंडा खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा, या दिल की सेहत को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, अगर नहीं तो हमें एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वैसे तो हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल लेवल को खुद मेंटेन करता है उसे कम या ज़्यादा करने के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ का सेवन करने लगें तो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहेगा। आपको अपनी तरफ से भी कोलेस्ट्रॉल डाइट को एक लिमिट में रखना है। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार अगर आप एक लिमिट में रहकर अंडे खाएंगे तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कोलेस्ट्रॉल पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वो न कम होता है और न ही ज़्यादा, बल्कि उसका स्वरूप बदल जाता है, जो कि हार्ट के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं होता। तो आइए जानते हैं एक दिन में आपको कितने अंडों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक दिन में 1 से 3 अंडे खाएंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले से बढ़ा हुआ है तो आप अंडे के पीले भाग को निकालकर अंडों का सेवन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी इस तरह के वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।